मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ घर पर आसानी से घी बनाने का तरीका। और साथ ही साथ मैं आज आपको बताऊंगी कि मलाई से मक्खन कैसे निकालते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरी आज की वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, रेसिपी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने फ्रिज से मलाई को निकाल लिया है। तो मैंने 2 डब्बा मलाई जमा के रखा है, तो मैंने इसको फ्रीजर पे रखा है। तो फ्रीजर पे रखने से मलाई जो है वो ख़राब नहीं होता है। तो देख सकते हैं मैंने 2 डब्बा जमा के रखा था। तो अभी क्या करेंगे, इसको साइड पे रख देंगे। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बड़ा सा बर्तन, अभी सभी मलाई को बर्तन पर निकाल लेंगे। तो मैंने सभी मलाई को निकाल लिया है। तो अभी ठंडा है ये मलाई, तो अभी क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप चम्मच की मदद से भी इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे से ना इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि हमारा जो मलाई है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो अभी देख सकते हैं मलाई जो है वो सॉफ्ट हो चुका है। तो पहले कितना टाइट था मलाई, अभी कितना सॉफ्ट हो चुका है। तो मैंने लगातार 2 मिनट तक इस तरह से चलाया है। और अभी इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक डालने से ना जो मक्खन है वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। तो इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लगातार और 2 मिनट तक अच्छे से चलाया है। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे एकदम क्रीमी सा हमारा जो मलाई है वो बन चुका है। तो अभी हमारा मक्खन निकलना शुरू हो चुका है। तो अभी इसमें डाल देंगे एकदम ठंडा पानी, और ठंडा पानी डाल के मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करते ही आप लोग देख पा रहे होंगे हमारा जो मक्खन है वो किस तरह से निकल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे, तो अच्छे से हमारा जो मक्खन है वो निकल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया है और फिर से मिक्स कर लेंगे। तो अभी देख सकते हैं हमारे ढेर सारा जो मक्खन है वो निकल आया है। अभी हाथ की मदद से अच्छे से सारा मक्खन को निकाल लेंगे। अगर आप लोगों के घर पे ग्राइंडर मशीन ना हो या बिजली ना हो तो आप आसानी से इस तरह से मक्खन को निकाल सकते हैं। तो ये ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। तो मैंने मक्खन को निकाल लिया है और बचे हुए मक्खन को भी इस तरह से निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसानी से हमारा जो मक्खन है वो निकल जाता है। सभी मक्खन को निकालने के बाद जो दूध बचता है ना, इस दूध को आप लोग फेंकना मत। इससे आप पनीर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप इससे दही भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। अभी इस बर्तन को रख देंगे साइड पे, और हमने जो मक्खन निकाला है ना, देख सकते हैं कितना सारा मक्खन निकल आया है। तो इस मक्खन को आप फ्रिज पे रख के बटर पे लगा के भी खा सकते हैं। तो अभी मैंने कढ़ाई को गैस के ऊपर रखा है, तो इस मक्खन से फिलहाल हम घी बनाएंगे। तो गैस को ऑन कर दिया है और अभी देख पा रहे होंगे हमारा जो मक्खन है वो पिघल रहा है। तो इस तरह से अच्छे से मक्खन को पिघलने देंगे पहले, और चम्मच की मदद से इस तरह से थोड़ा हिलाते रहेंगे ताकि जो मक्खन है वो पूरी तरह से पहले पिघल जाए। अभी देख सकते हैं मक्खन जो है वो पूरी तरह से पिघल चुका है। अभी गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और इस तरह से चलाते हुए लगातार इसका घी निकाल लेंगे। तो अभी कुछ ही देर में आप लोग देख पा रहे होंगे घी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से लगातार और 2 मिनट चलाएंगे, और अभी देख सकते हैं घी जो है वो निकलना शुरू हो चुका है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे, और गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पर लो ही रखा है, नहीं तो हमारा जो खुरचन है ना वो जल सकता है। तो गैस के फ्लेम को आप लोगों को लो ही रखना है। तो गैस के फ्लेम को अगर हाई रखोगे तो जल्दी घी बन जाएगा और फिर ख़राब भी हो जाएगा। धीमी आंच में जब घी बनाओगे तो घी जो है लंबे समय तक चलेगा, ये ख़राब भी नहीं होगा। तो अभी देख सकते हैं मैंने लो फ्लेम पे लगभग 10 मिनट तक अच्छे से इसको चलाया है, और अभी हमारा जो घी है वो बनकर तैयार हुआ है। तो इससे ज़्यादा हमें और चलाना नहीं है, गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पे। और मैंने यहाँ पे ले लिया है एक बर्तन, और बर्तन के ऊपर इस तरह से छन्नी लगाएंगे और सभी घी को निकाल लेंगे ताकि जो खुरचन है वो अलग हो जाए और घी अलग हो जाए। तो इस तरह से सभी घी को निकाल लेंगे। तो अभी देख सकते हैं मैंने घी को अच्छी तरह से छान के निकाल लिया है, और अभी जो खुरचन बचा है ना इसको आप फेंकना मत। इससे आप बहुत ही टेस्टी मिठाई बना सकते हैं।
तो मैंने ना ऑलरेडी मेरे चैनल पे डाल के रखा है हुरसेन से मिठाई कैसे बनाते हैं, और अगर फिर भी आप लोग चाहो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और एक वीडियो अपलोड कर लूँगी हुरसेन से मिठाई कैसे बनता है। अभी इस घी को डब्बे में भरेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक कांच के डब्बे को अच्छी तरह से पोंछ के धूप में सुखा लिया है, और अभी क्या करेंगे सभी घी को डब्बे पे निकाल लेंगे। तो इस तरह से रखने से घी जो है वो ख़राब नहीं होता है, तो आप लोग इस तरह से घी को बनाकर जरूर ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए मेरी रेसिपी को, और अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही, बाय फ्रेंड्स।